नमस्ते दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या नाइन इलेवन के आतंकवादी हमला जो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विंस बिल्डिंग पे हुआ था क्या इसराइल की डिटेक्टिव एजेंसी मोजात को यह पता लग गया था तो निष्कर्ष और जांच करने के बाद यह पता लगता है कि हाँ उनको पता था उसी दिन सारे यहूदी लोग जो वर्ल्ड ट्रेड में काम करते थे वो सब के सब आकस्मिक अवकाश पर चले गए पूरे के पूरे 4600 लोगों के बारे में तो ऑफिशियल डाटा है कहते हैं सात आठ हज़ार लोग वहाँ काम करते थे कोई भी उस दिन काम पर नहीं गया और उसी दिन हमला हुआ तो इसका मतलब यह है कि मौजात को या यहूदी लॉबी को यह पता था और वो ये चाहते थे कि अमेरिका अपना दोगला रुख जो आतंकवाद के ऊपर करता है जैसे उस समय अमेरिका रूस के राज्य चेचेनिया जो मुस्लिम बहुल है वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहा था आतंकवादियों को भारत के जम्मू कश्मीर में भी इनडायरेक्ट वे में यह पाकिस्तान की मदद कर रहा था तो ये चाहता था कि इन पर जरा हमला हो ही जान दो ताकि यह खुल्लम खुल्ला आतंकवाद के ख़िलाफ़ आएगा यह तालिबान पे ये इस्लामिक आतंकवादियों पे खुल्लम खुल्ला विरोध में आएगा और ऐसा ही हुआ इसके जस्ट बाद अमेरिका ने तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में युद्ध की घोषणा करी ओसामा बिन लादेन एमन जवाहरी आदि को ढूंढने का कार्यक्रम चालू करा तो इस प्रकार आतंकवाद की लड़ाई में अमेरिका खुल के इस आक्रमण के कारण ही आया तो हो सकता है कि मोजाद ने अमेरिका को झटका देने के लिए सिर्फ अपने लोगों को बचा लिया लेकिन बाकी को नहीं बचाया धन्यवाद